दोस्तों नमस्कार, आप हमारे साथ सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। सुनिए सुकून से। दोस्तों हमारे देश में कुछ ऐसे ही महापुरुष और विद्वान हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, जिनके विचार, जिनके सिद्धांत, जिनके नीति आज अगर हम अपना लेते हैं, उनका कुछ भी अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर मिलेगा। ऐसे ही हमारे एक आचार्य हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई बातें आज के समय में भी प्रासंगिक है और काफी हद तक सटीक साबित होती है। आचार्य की इन बातों से सीख लेकर व्यक्ति तमाम मुश्किलों से आसानी से निपट सकता है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और असाधारण और बुद्धि के स्वामी थे। आचार्य ने अपने बुद्धि कौशल के बदौलत समूचे नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उनका परम योगदान माना जाता है। तो आइए आज हम आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल विचार सुनते हैं। दोस्तों कहानी के साथ साथ हमारी कोशिश है कि कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे सिद्धांत नीति हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उन्हें भी मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो आज सुनते हैं चाणक्य के अनमोल विचार। दुष्टों और कांटों से बचने के सिर्फ दो ही उपाय है, जूतों से उन्हें कुचल डालना या उनसे दूर रहना। जंगल की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी बुरा कर सकते हैं। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। अगर जिंदगी में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हो तो याद रखना आपका अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। बहुत से गुण होने के बावजूद सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को पराजित कर सकती है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। लाइफ में कामयाब होना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती है। शिक्षा अगर किसी घटिया इंसान से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। जिसे किसी के प्रति प्रेम होता है उसे उसी से भय भी होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल है, इसलिए प्रेम बंधनों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। प्यार और अलगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और अलगाव आपको कमजोर करता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। जो हमारे दिल में रहते हैं वो दूर होकर भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहते हैं वो पास होकर भी दूर है। जब प्रेम हाथ छुड़ाकर जा रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम तो उसके हाथ छुड़ाने के पहले ही जा चुका था। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वो विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो,
क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने का तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती है जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। किसी भी लड़की के बारे में इतना ही बोलो जितना आप अपनी बहन के बारे में सुन। भले ही आपने सब कुछ जान लिया हो लेकिन फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते हो। व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वो रूपवती हो या साधारण, वह शिक्षित हो या अनपढ़, उसकी पत्नी है यही बड़ी बात है। शरीर से सुंदर महिला आपको एक रात की खुशी दे सकती है लेकिन दिल से सुंदर महिला आपको जिंदगी भर सुखी दे सकती है। जो स्त्री प्राय घर में रहती है, जो पेड़ नदी किनारे रहते हैं, जो राजा मंत्री ना रखता हो, ये तीनों ही बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में जहर होता है। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन संतान और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना? मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते हैं वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। इंसान खुद ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहे। अगर आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते तो भी उस व्यक्ति के हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से नहीं डरना चाहिए और उस काम को भी ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे खुश होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। खुद को खोजिए अन्यथा आपको जीवन भर दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप जितना कम बोलोगे उतना ही ज्यादा पसंद किए जाओगे। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे ही जानकारी प्राप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों,
आज के लिए चाणक्य के अनेक विचार हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। दोस्तों, ये विचार हमने वेबसाइट से लिया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे प्लीज़।